वेलकम स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ सरू सर। सरू सर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 1 वेयर व्हेन एंड हाउ डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये हमारा डिस्कशन का सेकेंड डे है। दोज स्टूडेंट हु आर ज्वाइनिंग टुडे इन डे टू क्लास मस्ट वॉच द वीडियो ऑफ डे 1। इन द क्लास ऑफ डे 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब इंडियन सब कॉन्टिनेंट द मेडिवल पीरियड टाइम फ्रेम एंड सम फीचर्स ऑफ मेडिवल पीरियड। And now we are going to describe major historical trends of medieval period. तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है major historical trends of medieval period. Medieval period के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। तो first है old and new religion. Second one is development of कंपोजिट कल्चर। थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल पीस। फोर्थ पॉइंट इज सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट। फिफ्थ पॉइंट इज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। एंड सिक्स्थ वन इज राइज ऑफ ब्रिटिश पावर। आज हमारा डिस्कशन का जो केंद्र है इन्हीं सिक्स पॉइंट पे आधारित है। अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की ओर, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। द इन्वेडर्स लाइक ग्रीक्स हु केम टू इंडिया इन द एंशियंट पीरियड फॉलोड इंडियन रिलीजन। कुछ आक्रमणकारी जैसे ग्रीक जो कि भारत में आए और यहाँ बस गए, लेकिन वो भी इंडियन रिलीजन को ही अपना लिए। उनमें से हिंदुज्म और बुद्धिज्म था। दे एडॉप्टेड द इंडियन कल्चर एंड ड्रेस। वो भारत के परिधान और भारत के कल्चर को भी अपनाए। बट द तुर्किस, लेकिन तुर्किस अफगान एंड मुगल हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, और जो कि मेडिवल पीरियड के दौरान तुर्किस अफगान और मुगल आए, बोर्ड देयर ओन कल्चर एंड रिलीजन इस्लाम विथ देम। वो अपने साथ अपना रिलीजन और कल्चर भी लेकर आए। इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया, और इससे भारत में इस्लाम का स्प्रेड हुआ, इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। सिखिज्म अ न्यू रिलीजन, सिख एक नया रिलीजन के रूप में भारत में उदय हुआ। लेटर क्रिश्चियनिटी आल्सो स्प्रेड इन इंडिया, बाद में क्रिश्चियन धर्म का भी भारत में प्रसार हुआ। मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन हिंदुज्म, और हिंदू धर्म में बहुत सारे परिवर्तन हुए। बट इट रिमेंड द मेजर रिलीजियस सिस्टम विच द इंडियन सोसाइटी हैज़ बेस्ड ऑन। लेकिन हिंदुज्म अभी भी सोसाइटी का मेजर पार्ट बना रहा और ज़्यादातर लोग हिंदुज्म ही मानते रहे। सेकेंड पॉइंट, अ कंपोजिट कल्चर। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट इंट्रैक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। अब क्या हुआ, तो पुराने जो हिंदू धर्म थे इंडिया में और जो नए धर्म आए, इस्लाम आए, सिखिज्म आए, तो ये जो नए नए धर्म आए तो पुराने और धर्म के बीच में दोनों का इंट्रैक्शन हुआ। नए और पुराने धर्म का इंट्रैक्शन होने से एक नए कंपोजिट कल्चर का उदय हुआ जिसमें सभी धर्म का समावेश देखने को मिलता है। इट रिफ्लेक्ट इट्सेल्फ इन लैंग्वेज लिटरेचर पेंटिंग आर्किटेक्चर एंड स्क्रप्चर्स, और जो कि आपको देखने को मिलता है भाषा में, लिटरेरी सोर्स में, यहाँ के पेंटिंग्स में, आर्किटेक्चर्स में एंड स्क्रप्चर्स में देखने को यह मिलता है। वस्तुकला में भी काफ़ी इसको देखने को हम लोग को मिलता है। इट इज़ स्टिल एन इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर आवर हेरिटेज, और यह हमारे हेरिटेज का एक इम्पॉर्टेंट फीचर भी है। स्टेबल पीस। सम ऑफ दिल्ली सल्तनत रूलर्स एंड द ग्रेट मुगल्स वेयर एबल टू प्रोवाइड स्टेबल पीस फॉर मैनी सेंचुरीज।
भारत में सदियों तक मुगल और दिल्ली सल्तनत राज किए और इन्होंने भारत को बहुत लंबे समय तक एक शांत वातावरण दिया, दूसरे इन्वेडर से भारत की रक्षा की। सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट, टू ग्रेट रिलीजियस मूवमेंट, और इस दौरान मध्यकाल में दो ग्रेट मूवमेंट भी स्टार्ट हुए, रिलीजियस मूवमेंट भी स्टार्ट हुए, उनमें से सूफिज्म एंड भक्तिज पॉपुलर है। सूफिज्म एंड भक्तिज मूवमेंट डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड, दे हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिंदुज्म एंड इस्लाम। और ये भक्तिज्म और सूफिज्म हिंदू और मुस्लिम की एकता में एक बहुत बड़ा काम किए, इन दोनों अलग अलग धर्म को एक साथ तालमेल बैठाने में और एक दूसरे को समझने में ये काफ़ी मदद किए। इट एम्फेसाइज वाज पीस ऑन लव, ब्रदरहुड, टॉलरेंस एंड यूनिटी ऑफ गॉड। और सूफिज्म और भक्तिज्म का मुख्य जो उनका केंद्र था वो था पीस, लव, ब्रदरहुड, टॉलरेंस एंड यूनिटी ऑफ गॉड। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, एज इन द अर्लियर एजेस आवर सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी कास्ट एंड सब कास्ट, जिसको हम लोग जाति भी कहते हैं। तो हमारा पहले का सोसाइटी कास्ट और सब कास्ट में अलग अलग जात में डिवाइडेड था। मोस्ट ऑफ द जातीज हैड देयर ओन रूल्स रिगार्डिंग मैरिज एंड बिहेवियर ऑफ देयर मेम्बर्स। तो अलग अलग जाति का जो मैरिज का रूल रेगुलेशन था, उनके मेंबर्स का बिहेवियर था, वो डिफरेंट था, उनके रूल रेगुलेशन के अनुसार था। इन विलेजेस द पंचायत्स स्टिल सेटल्ड डिस्प्यूट्स एंड कलेक्टेड टैक्सेस। और भारत के गांवों में जो पंचायत था वो जो उन लोगों के बीच में किसी तरह का विवाद होता था, लोगों के बीच के विवाद को, डिस्प्यूट को पंचायत ही सुलझाते थे और लोगों से टैक्स भी पंचायत ही कलेक्ट करते थे। देयर वॉज अ जनरल डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमन। और इस दौरान वुमन का प्रेस्टीज, वुमन का डिग्निटी नीचे गिरा। पॉलीगेमी, पर्दा सिस्टम एंड सती वेयर सम ऑफ द कस्टम्स विच मार्क देयर लो स्टेटस। और इस लो स्टेटस को हम लोग पॉलीगेमी, पर्दा सिस्टम और सती सिस्टम से हम लोग देख सकते हैं। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट फियरलेस राजपूत वॉरियर्स। और इस दौरान हम लोग को बहुत सारे ऐसे भी स्टोरी मिलेंगे जो राजपूत वॉरियर्स के बारे में बताएंगे। इन संस्कृत, संस्कृत में द वर्ड राजन मीन्स किंग। संस्कृत में राजन का मतलब राजा होता है एंड पुत्र मीन्स सन, और पुत्र का मतलब बेटा होता है। द टर्म राजपूत इंक्लूडेड नॉट ओनली रूलर्स बट द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू मिलिट्री कास्ट क्लेमिंग क्षत्रिय डिसेंडेंट। और यहाँ राजपूत का मतलब सिर्फ राजा का पुत्र ही नहीं बल्कि हिंदू के वे मिलिट्री, हिंदू के वे योद्धा शामिल थे जो अपने आप को क्षत्रिय का डिसेंडेंट मानते थे। द मराठास, सिख एंड जाट्स हैड ऑल्सो कम पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड के दौरान मराठास, सिख और जाट भी आगे बढ़े। द प्रिंसेस एंड नोबल लिव इन ग्रेट लग्जरी। और जो प्रिंसेस थे, जो यहाँ के नोबल्स थे, राज परिवार के लोग थे, वो काफ़ी लग्जरी जीवन जिया करते थे। दे हैड फाइन पैलेसेस एंड वोर कॉस्टली ड्रेसेस। उनके जो महल होते थे, आलिशान महल होते थे, और वो लोग काफ़ी कॉस्टली परिधान ड्रेस पहनते थे। मैनी ऑफ देम कैप्ट स्लेव हु वेयर बॉट एंड सोल्ड एज दे लाइक। उनमें से बहुत कोई दास रखते थे और उनका खरीद बिक्री भी होता था जब वो चाहते थे। बट वेयर डिड द वेल्थ ऑफ द रिच
क्लास कम फ्रॉम, लेकिन ये जो रिच क्लास थे, ये जो अमीर थे, इनका वेल्थ धन कहाँ से आता था लग्जरी जीवन जीने के लिए? इट केम फ्रॉम द कॉमन पीपल, ये आम आदमी से आता था। द पीजेंट, कृषक समाज से आता था। द आर्टिसियन, आर्टिसियन के पास से आता था। द ट्रेडर्स, और ट्रेडर के पास से आता था। द कॉमन पीपल हैड टू पे सेवरल काइंड ऑफ टैक्सेस, आम आदमी को बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते थे। टू द लोकल लॉर्ड, जो उनका लोकल राजा होता था उसे देना पड़ता था। पोटैटोज, चिल्लीज, टी एंड फ्यू अदर क्रॉप्स बिगेन टू ग्रो इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी पीरियड के दौरान यानी मध्यकाल में पोटैटोज, चिल्ली, टी और भी कोई दूसरे क्रॉप्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उगाने शुरू हो गए। एंड सिक्स पॉइंट, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर। कॉमर्शियल इंटरेस्ट ड्रू द इंग्लिश, द फ्रेंच एंड द डच टू इंडिया। जो व्यापार था, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इंग्लिश, फ्रेंच और डच लोग भारत आए। इट अल्टीमेटली लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया इन 18th सेंचुरी, और 18वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश रूल स्थापित हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सब्सक्राइब द चैनल टू सपोर्ट मी एंड ऑल्सो टू सपोर्ट स्टडी फ्रॉम होम। सो अगेन थैंक यू।